1955 की बात है। मुंबई में बेहद प्रतिष्ठित हरिदास सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस मौके पर 17 साल के एक कलाकार को अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया था। उस कलाकार को श्रोताओं के लिए संतूर बजाना था, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले उस कलाकार ने आयोजकों के सामने एक अनोखी शर्त रख दी। शर्त ये थी कि पहले वो तबला सोलो बजाएंगे और उसके बाद संतूर। आयोजकों के सामने इस अनोखी शर्त रखने वाले कलाकार का नाम था पंडित शिव कुमार शर्मा। उस कार्यक्रम में तबला बजाने के लिए उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब, अनोखे लाल जी, सामता प्रसाद जी, पंडित किशन महाराज, हबीबुल्ला खां साहब और अहमद जान थिरकवा जैसे बड़े बड़े कलाकार पहले से मौजूद थे। अपनी जिद मनवाने के बाद पंडित शिव कुमार शर्मा ने मंच पर अपनी जगह ली। करीब आधे घंटे तक तबला बजाते रहे, फिर तबले को एक किनारे रखा और एक घंटे तक संतूर बजाते रहे। उस रोज़ कार्यक्रम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान, रसूलन बाई जी, केसर बाई जी, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, पंडित नारायण राव व्यास, पंडित विनायक राव पटवर्धन, सिद्धेश्वरी देवी जी, मोगूबाई कुर्देकर जी भी शामिल थे। इतने नामी गिरामी कलाकारों के सामने जब पंडित शिव कुमार शर्मा ने तबला और संतूर एक के बाद एक बजाया तो सुनने वालों ने वंस मोर की रट लगा दी। हालात ये हो गए कि आयोजक ब्रिज नारायण जी को खुद स्टेज पर आकर कहना पड़ा, अपनी हसरत फिर कभी पूरी कर लीजिएगा, आज इस कलाकार को बख्श दीजिए। और अब उस कार्यक्रम को याद करके शिव कुमार जी कहते हैं, मैं उस वाक्य को जब याद करता हूँ तो मुझे हंसी आती है। पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू में हुआ था। पंडित शिव कुमार शर्मा जब मात्र 5 साल के थे तब गायन और तबले की उनकी शिक्षा उनके पिताजी के पास ही शुरू हुई। शुरुआत गायन से ज़रूर हुई थी, लेकिन उनका मन धीरे धीरे तबला बजाने में ज़्यादा लगने लगा। करीब 7-8 साल की उम्र रही होगी जब पंडित शिव कुमार शर्मा ने रेडियो में बच्चों के एक कार्यक्रम में तबला बजाया। इसके बाद जब वो 11-12 साल के थे तब उनके पिताजी ने उनसे कहा कि उन्हें अब संतूर सीखना चाहिए। दरअसल संतूर की संगीत यात्रा में पंडित उमादत्त शर्मा का बड़ा योगदान है। पंडित शिव कुमार शर्मा को एक महान शास्त्रीय संतूर वादक के अलावा एक कमाल के संगीतकार के तौर पर भी जाना जाता है। मशहूर बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के साथ उनकी जोड़ी शिवहरि कहलाई और इस जोड़ी ने यशराज के कई फिल्मों में हिट संगीत दिया। सिलसिला, चांदनी, लम्हे ऐसी तमाम लोकप्रिय फिल्मों में इस मशहूर जोड़ी शिवहरि का ही संगीत है। फिल्मी दुनिया में कदम रखने की शुरुआत भी उसी कार्यक्रम से हुई थी जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया। हुआ यूं कि उस रोज़ उस कार्यक्रम में महान फिल्मकार वी शांताराम की बेटी मधुरा जी भी थी। उन्होंने भी पंडित जी को पहले तबला और फिर संतूर बजाते सुना। उन्हें संतूर बहुत पसंद आया। उन्होंने कहीं से वी शांताराम को फ़ोन करके बताया कि संतूर एक अनोखा साज है और अपनी फिल्म झनक झनक पायलबाजी में उन्हें साज का इस्तेमाल करना चाहिए। बाद में यही प्रस्ताव उन्होंने पंडित जी के सामने भी रखा जिसे पंडित जी ने इम्तहान का हवाला देकर टाल दिया। पंडित शिव कुमार शर्मा आज भी इसे अपनी अपरिपक्वता ही मानते हैं, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर मौका दिया। इम्तहान के बाद राजकमल स्टूडियो से उनके पास एक टेलीग्राम आया, कम टू बम्बई। चूँकि संतूर एक नया साज था इसलिए फिल्म म्यूजिक में भी ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। उस फिल्म में महान कथक डांसर गोपी कृष्ण हीरो थे। सामता प्रसाद ने उस फिल्म में तबला बजाया था। उस फिल्म का टाइटल सॉन्ग झनक झनक पायल बाजे उस्ताद अमीर खां साहब का गाया हुआ है। ऐसी फिल्म में इतने बड़े कलाकारों के बीच में पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया। फिल्म झनक झनक पायल बाजे कमाल की हिट हुई। उसे तमाम पुरस्कारों से नवाजा गया जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल है। फिल्मी दुनिया से अलग बतौर शास्त्रीय संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा को पूरी दुनिया में बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला। साल 2001 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। उनकी संगीत साधना यूं ही चलती रहे ऐसी करोड़ों संगीत प्रेमियों की दुआ है। हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।